उमर रशीद भाई हैं, ये अंदाजा करें कितने गन्ने डालते होंगे, आप सोच नहीं सकते। ले जी, ये इसका साइज है तकरीबन 2 फीट के। सीन्स कुछ ऐसे हैं। कितने की केजी है? 2000 की थी। 2000 रुपए की केजी। आप मुझे बताएं, जिसको फुल भूख लगी हो ना वो रेट सुन ले, मेरे ख्याल से पेट फुल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बिलाल सानी, आपको वेलकम मेरे चैनल सानी शो वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी फैमिली के साथ ढेरों खुशियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वो करते हैं जी शुरू। तो गाइज़, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जैसा कि टूर कल मैंने आपको बताया था कि यार हम आ गए थे एबटाबाद में, एबटाबाद में रात स्टे किया है यहाँ पे, और एबटाबाद का चौक है मेरे जहन उसका नाम नहीं है, तो रूम बड़ी मुश्किल से मिला है, 8:30 हो गए थे आते आते, और यकीन करें मरी की तरफ से आने वाली चढ़ाइयाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सीधी खड़ी चढ़ाइयाँ थी, जिसको जो है ना पहली दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे पता चल गया कि यार कितना मुश्किल है यहाँ पे बाइक चलाना। तो रात को फिर हमने डिसाइड किया, 7:15 पे हमने मरी नथिया गली से हम आए एबटाबाद। तो मेरी लाइफ का इतना खौफनाक सफ़र था कि आपको बता नहीं सकता, सन्नाटा और इतना जो है ना वो क्या उसको एक्सप्लेन ही मुझे करना आ रहा है, यानी कि बहुत जो है ना फियर वाला सफ़र था जिसको मैंने किया रात को बाइक के ऊपर। और खैरियत से यहाँ पे आए हैं, तो अब 7:30 हो गए हैं, तो जो खलील है वो लेने गया है ब्रेड वगैरह था जी, ब्रेड का नाश्ता करते हैं यहाँ पे, खुद बनाते हैं और ब्रेड खाएंगे साथ में जो है ना डिस्पोजेबल, उसको मैंने बोला कि यार कप ले आओ, चाय बना के खुद पीते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, तो कोशिश है कि जो है ना एक्सपेंसिव कम से कम हो। तो रात को नींद मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आई, इतनी ख़ास नहीं आई नींद, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पाए, पूरा जिसम मेरा दर्द कर रहा है। रात को मैंने गोली भी खाई थी पेन किलर, लेकिन उसके उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब नाश्ता बनाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि नाश्ता मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। तो इस बैग में जो है ना वो सामान है सारा, तो वो खोल लेते हैं। तो मैं बड़े मुश्किल से मैंने पैक किया था इसमें जो है ना, ताकि शोर ना हो, बर्तन है ना। ये सिलेंडर लेके आया तकरीबन, ये है फ्राई पैन, इस पे बनाएंगे। खलील को मैंने भेजा था, वो लेके आया, एक ब्रेड ले आया, साथ में ये जो है ना एवरीडे का वो ले आया, टी बैग्स, चीनी और अंडे। अब सिर्फ क्या है कि वो घी नहीं मिला, घी लेने गया हुआ आता है, तो बनाते हैं और खाते हैं और टाइम बचाते हैं, क्योंकि 8 बज गए हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जितनी जल्दी टाइम बचेगा उतनी जल्दी हम बापू सर टॉप पे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल ही शॉर्ट है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को ये देखें ज़रा, ये सारी चीज़ें एक बाइक के ऊपर ले गया हूँ मैं, एक बाइक के ऊपर, कैन यू इमेजिन कि ऐसे पॉसिबिलिटी है, हमारे पागल दिमाग लोग देख रहे हैं कि 70 बाइक के ऊपर ये ऐसे 70 बाइक के ऊपर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ये पागलपन है। लेकिन अल्लाह करे कि ये सफ़र जितना हम आगे करना है, वापसी का सफ़र है, वो मज़ीद आसान हो, हमारे लिए बेहतरी हो, क्योंकि तो कही ये सीन है। जी तो गाइस, पहला टोस्ट इसके ऊपर आ गया, तो कुकिंग ऑयल में मेरा पहला तजर्बा है, तो खलील मेरे घर खाता रहता है, तो आई होप सो कि बेहतरी होगा। फाइनली जो है ये बन गया हुआ है, टोस्ट बनाए और साथ में टी बैग्स की चाय, तो आपको पता है कि किस तरह का और कैसा इसका जो है ना टेस्ट होता है।
ये अभी बनाए हैं, तकरीबन जो है ना बाज़ार से सस्ता ही पड़ेगा, आई होप सो कि अच्छा भी होगा, और चेक करते हैं खा के ना तो कैसा है। अहमदाबाद राइट नाइट स्टे करके अभी निकलने लगे हैं, मवाद पीछे बन गया है तो पर वो मैं बता रही आपको कि नाइट स्टे करना इतना आसान नहीं होता किसी भी नई जगह पे जाके। तो ये आज का सीन है, सुबह के लेट हो गई है, 10 बज गए हैं, टाइम बड़ा शोर है, नहीं तो मैं और वीडियो बनाता है, सारी चीज़ें रेडी हैं, एक काम सिर्फ बाइक पर करने वाला, वो हमने धागा बांधना, उसके बाद हम रेडी हैं। तो किधर जाना है हमने आज? नारायण का टारगेट है तो इंशाल्लाह फाइनली जो है ना बड़ा मुश्किल ट्रैक था पीछे मानसेरा से एबटाबाद मानसेरा, और अब हम जा रहे हैं नारायण कागान की तरफ, और रास्ते में इतना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना व्यू था, तो मेरा दिल किया कि यहाँ पे जो है ना कुछ आपको दिखाया जाए। और अभी ये सीन है कि मौसम आज का भी बहुत ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है और सर्दी नहीं है इधर, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, रात को सर्दी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। और अब ये रोड है जिस रोड से हम जाएँगे आगे नारायण कागान, ये पीछे आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे सीन है। अच्छा तो भाई ये जो सेटअप है ना, ये मेरा बड़ा दिल किया कि यार मैं भी गन्ना डाल के इसमें देखूँ कि कैसा फील होता है। तो मेरा क्या नाम इधर है, क्या नाम है आपका? मुंबर रशीद भाई हैं। ये अंदाज़ा करें कितने गन्ने डालते होंगे, आप सोच नहीं सकते। मैं भी गन्ना डालने लगा, देखिए ले जी, ये इसका साइज है तकरीबन 2 फीट के। अब ये है जो ओरिजिनल पंजाब का जो गन्ना है और पिशावरी हाथ लगे हुए इसको, तो ये है मिक्सचर, बड़ा ज़बरदस्त किस्म है। अभी जो है ना यहाँ से हम गुजरे थे बालाकोट से, जब शहर शुरू होता है वहाँ थोड़ी सी पहले, ये रेडी पे जो है ना सेट पर लगाया हुआ है, और दिल किया पहले पीछे चश्मे पानी पीना था, वो नहीं पी सके। अब ये देखें पीछे भी है, तो वो जो है ना पानी नहीं पी सके वहाँ पर ना, तो दिल किया कि यार ये रोगा एक एक गिलास पीते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि 60 रुपये का एक गिलास है, यानी कि 60 रुपीज़ पर गिलास, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना जो है ना हाई प्राइस है यहाँ पर। अभी हमने सफ़र तय करना था तकरीबन 112 किलोमीटर का ना, तो टोटली पहाड़ी इलाका है, तो आपकी सोच है कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये चीज़। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि आगे रिफ्रेश हो गया बंदा। फाइनली जो है मैं शुग्राम पहुंच गया हूं, और तकरीबन जो है अगर मानसेरा से लगाया जाए ना तो तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय करके शुगराम पहुंच गया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग मौजूद हैं, और हमेशा की तरह यहाँ पे जो है ना खाना पीना चल रहा है, लोग आउटिंग के लिए जो है ना धड़ाधड़ इधर आ रहे हैं। भाई शुगराम का इलाका है कवाई, तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ,
अब जो है आगे का जो हमारा सफर है वो नरान का कान है, तो आई होप सो के बाकी मैं आपको दिखा सकूं। ओ ये है हुजूर वाला, आज का सीन तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि थोड़ी देर के बाद नरान जाके मिलता हूँ आपसे मैं। कगान नरान आता पहले, कगान पहले कगान जाके आपको मिलता हूँ। अभी जो है एक दुश्वार गुजार रास्ता तय करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात के बाद, आपको पता है कि यहाँ पे भाषा डैम है कि पता दासू डैम बन रहा है, जिसकी वजह से रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब है। और आपने मेरी बाइक की हालत देखी है, लेकिन फिर भी हमने इस पर जो है ना सफ़र किया है, आहिस्ता आहिस्ता चला के इधर आ गए। और कागान इधर से नारान इधर से है तकरीबन कुछ 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर से पहले यहाँ पे एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्पेशल इस पिकनिक पॉइंट स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे जो है ना ट्राउट मछली जो है ज़िंदा भी आप देख सकते हैं, और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और बड़ी मज़े की जो है ना यहाँ पे खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है। और ये आबशार जो है ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे चारपाइयाँ लगाई हुई हैं पानी के अंदर, और लोग बैठे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो है ना टाइम थोड़ा सा कम था, इसलिए जो है ना इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, और हमने कोई टाइम सेट किया हुआ है कि यार जल्दी से जो है ना नारान जाया जाए, और वहाँ पे जाके जो है ना रेस्ट की जाए और आगे का सफ़र जो है वो किया जाए। तो बाबू सर टॉप का जो है ना हमारा इरादा था, आई होप सो के वहाँ तक जा सकें। तो अगर आपने खरीद की हालत देखनी है तो ये चेक कर लें, तो ये भाई तैयार होगा जाके कहाँ पे, नरान का मैं भी कल आपको जो है ना ये इसका जगमगाता हुआ चेहरा नजर आएगा। आज इसने सुबह मुंह भी नहीं धोया, समझ आ रही है ना, तो ये चेक करें जरा इसका दोबारा से, इसका ऑप्शन चेक करें। तो ये सीन है, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो मेरा ये जो है ना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको डिस्क्राइब करूँ। तो मेरे पास बैटरी भी जो है ना वो ख़त्म हो चली है, पावर बैंक भी नहीं है, तो क्या करें, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। क्या नाम है आपका? हमजद नाम है। अमजद भाई जो है यहाँ पे ट्राउट मछली जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से तैयार कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। और अच्छा कितने की केजी है? 2000 की थी। 2000 रुपए की केजी। आप मुझे बताएं जिसको फुल भूख लगी है ना वो रेट सुन ले, मेरे ख्याल से पेट फुल हो जाए। तो भरे भी जाते हैं। तो इसकी स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात है ट्राउट है, मशहूर की है दरिया की जो है ना ओरिजिनल ट्राउट। तो हुजूर वाला ये जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे तैयार कर रहे हैं ये। सीन कुछ ऐसे हैं, मुंह में पानी आया आया आपके मुंह में? मेरे मुंह में पानी आया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, आगे चलते हैं।